कि हम इनके बिना कुछ भी नहीं है। ये प्राची है, रेनू है, ट्विंकल है, निशा है, वर्षा है, ये बच्चे इतना ज़्यादा इन्होंने साथ दिया है हमारा। और सबसे सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि जैसा इनको मैंने बोला, इन्होंने मेरी स्वयंवर की सारी रानी को वैसा ही उतारा। सो आई थैंक्स टू काजल मैम एंड यूके इंटरनेशनल अकेडमी जिन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट दिया हमें और हमारे हर कॉन्सेप्ट में वो आती है और इतना अच्छा, इतने अच्छे अच्छे बच्चे भेजते हैं वो कि इतना अच्छा अच्छा मेकअप हो जाता है। एंड अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और कि मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इन लोगों को कैसा भी मेकअप दे दो, ये बच्चे वैसा ही मेकअप उतार देंगे। अभी मेरा मीडिया था, मेरा नेत्र था, इन्होंने इतना अच्छा उसमें दिया है, एक्ट दिखाया है, किसी के आंख जली हुई है पूरी, किसी के मांग रहा है कोई कि मुझे रोशनी चाहिए, मतलब इतने अच्छे तरीके से अपने मेकअप के द्वारा इन्होंने दिखाया है ना कि मेरे पास शब्द नहीं है इनकी काबिलियत को बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम वर्षा है, मैं यूके इंटरनेशनल अकेडमी में अपना कोर्स कंप्लीट करने वाली हूँ और यहाँ पे चांस हमें मिला है आने का, तो मैंने अपना बेस्ट दिया है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम निशा मिश्रा है और बेसिकली इंदौर से हूँ, बट मैं दिल्ली बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करने ही आई थी और अब मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बहुत अच्छे से मुझे बहुत। मेरा नाम ट्विंकल है, हम लोग यूके अकेडमी से हैं, उन लोगों ने हमें यहाँ के लिए भेजा है अभिषेक सर के शो में स्वयंवर के लिए आना, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, यहाँ पे मेकअप करना बहुत बड़ी बात थी। हम लोग चाहेंगे ये हमें दोबारा से बुलाए और दोबारा से हमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे करने के लिए जिससे हम और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें। थैंक यू। माय नेम इज़ प्राची एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं भी यूके इंटरनेशनल की स्टूडेंट हूँ एंड यहाँ पर मेरे गाइड मेरे को सचिन सर ने किया है, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर एक्सपीरियंस करके। मैं ऐसी लाइफ चाहती हूँ और मेकअप आर्टिस्ट बनना मेरा सपना था जो कि मुझे लग रहा है इट्स बिकमिंग ट्रू। थैंक यू सो मच। आप बहुत जगह करती हैं, बहुत सारे शो में करती हैं, यहाँ क्या हटके लगा आपको कि जिसमें आपको कुछ बहुत अच्छा फील हुआ हो? मतलब कभी कभी ऐसा होता है आपको खुद को भी बहुत अच्छा फील होता है, एकदम हम मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ हमें एक रस भी आए, तो आप क्या समझते हैं? मुझे ये अच्छा लगा, यहाँ इतना बड़ा स्वयंवर था, मतलब हम नहीं सोच सकते थे इस बारे में कभी भी, रानी महारानी हर तरीके से रहते थे इसमें। और सर यहाँ पर ना जो सचिन सर हैं या जो अभिषेक सर हैं, ये लोग हर बार नया नया कॉन्सेप्ट लाते हैं। लाइक पिछली बार जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने नेत्रा किया था कि किसी नेत्रहीन बच्चों को कैसे नेत्र डोनेट करें, उस पर बेसिक था। पिछली बार मीडिया पे था और इस बार स्वयंवर पे था, तो काफ़ी अच्छा नया नया कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए हम लोग काम करते रहते जुड़े रहते। ये इनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लग गया।